We'll be right back.
एक बच्चों के एजुकेशन का प्रोग्राम है, मैं तो बस दिव्या की हेल्प कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत ही अच्छी कॉज के लिए उसने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कब उसका वक्त निकल गया, लाइक इतना टाइम उसने बच्चों को दिया है और उसका एक ही मकसद होता है मेरे बच्चे सब 90% मार्क्स लाएँ। एंड शी इज़ वेरी डिवोटेड, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी स्वीट। वो मेरे पास आई, मुझे पता नहीं क्या पॉजिटिव वाइब्स मिले उससे, आई सेड ओके आई टेक केयर ऑफ़ यू। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, जितेंद्र जी मेरे हस्बैंड के रोल प्ले करते हैं काफ़ी सीरियल्स में, इनको बोला तो इन्होंने भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। फिर अपने विजय भाटिया जी एक आवाज़ पर चले आए, इसमें यही हमारे आर्टिस्ट की यूनिटी होती है, यू नो दिस इज़ वॉट, कि उसने बोला तो चले जाना है। फिर पंकज जी भी आए, दिलीप पटेल जी भी आए, तो इट वॉज वेरी नाइस। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, जे एंड जितेंद्र जी, टू मेक दिस इवनिंग अ वेरी ब्यूटीफुल वन। जितेंद्र जी आप क्या कहेंगे इस आज के प्रोग्राम के बारे में? जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए जो भी काम हो वो हमें सबको बढ़ चढ़ के करना चाहिए। मुझे जैसे ही दलजीत जी ने फ़ोन किया और बताया कि दिव्या नाम की एक लेडी हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ एजुकेशन के लिए नौछावर कर दिया, एक तरह से अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। हम तो दलजीत जी के लिए आए हैं और वैसे मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं दिव्या जी के लिए कि वो जो काम कर रही हैं वो हमारे देश के लिए काम कर रही हैं। शायद ऐसे लोग, बहुत सारे लोग चाहिए हमें इस देश में जो ऐसा करें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं दलजीत जी का जिन्होंने मुझे इस बहुत ही शुभ अवसर पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। विजय भाटिया जी, आप इस आज के इवेंट के बारे में पहले क्या कहेंगे, उसके बारे में पूछिए तो फिर मैं बताइए, तो फिर मैं आपसे कुछ और। इस इवेंट में मेरे पहुंचने का ज़रिया है अरुण जी और दलजीत जी, आपस में कनेक्ट हुआ, एक दूसरे को जानते हैं और मैं यहाँ पर आकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पंकज जी के साथ भी काम कर चुका हूँ, जीतू सर के साथ भी काम कर चुका हूँ, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिलता। यहाँ आए, मिले, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर आए तो क्या हुआ, आया तो देखे यार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एजुकेशन। बचपन से हमेशा, मुझे नहीं, हर बच्चे को ही तकलीफ होती है यार, पढ़ाई नहीं करनी पड़े, बस कुछ हो जाए पढ़ना ना पड़े। डैडी बहुत बोलते थे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ाई की। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, और आज जाकर ये बात समझ में आई कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप उस अपने फील्ड को परस्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एन एडुकेटेड पर्सन इज़ अ बेटर पर्सन, इज़ अ बेटर प्रोफेशनल। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस ज़रिए से यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा बच्चे जो कुछ भी करना चाहते हैं पढ़ाई पूरी कीजिए, और इन लोगों की सराहना करना चाहूँगा, दलजीत जी की, दिव्या जी की, जो इतना बड़ा कॉज लेकर चल रहे हैं। एन एडुकेटेड नेशन इज अ प्रोग्रेसिव नेशन। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। विजय भाटिया, आपने एजुकेशन की बात की, लेकिन मैं, मेरा आपसे सवाल है कि विजय भाटिया आदमी तो नाम ऐसे ही बोलता है, लेकिन जब लिखने जाते तो VIJEQ। ये भी बहुत बहुत एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है। क्या हुआ, मम्मी डैडी ने नाम रख दिया विजय भाटिया, और नाम में बदलना नहीं चाहता था, लेकिन होता क्या था, हर क्लास में जैसे टीचर बोले विजय तो 5 लड़के खड़े हो जाएं। आगे चलकर ऐसा हो, एक लड़की का नाम भी विजय निकला, मैंने बोला अब तो ये टेंशन ज़्यादा हो रही है, तो अब नाम में पूरा का पूरा बदलना नहीं चाह रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई इसको स्टाइलाइज कर दे, वैसे भी तुम बड़े ग्लैमर और स्टाइल वाली इंडस्ट्री में रहते हो, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, AY को गिरा देते हैं, ई लगा लेते हैं, तो VIJE हो जाएगा, बड़ा फ्रेंच टाइप हो जाएगा, VJ हो जाएगा। मैं बोला चलो अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, तो इसलिए वो विजय से विजय हो गया। सो होप इट इज नॉट वीडियो जोकी, राइट? विजय इज वीडियो जोकी। अब क्या करें, नाम का असर पड़ता है, धीरे धीरे सारे काम भी बदलते गए, बहुत कुछ होता गया, आया था सिर्फ एक्टर बनने, बहुत कुछ बन गया इसी जगह। देखिए, इन बच्चों को देख के खुद को डर लगने लगा है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत ही टैलेंटेड, और मुझे जो बताया गया, आज यहाँ जो बुलाया गया था दिव्या जी के बारे में बताया गया, मैं पहले तो आप इन बच्चों के लिए सब जोर से तालियां बजाइए, रियली दे आर वेरी टैलेंटेड। और जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, शायद बहुत कम स्क्रिप्ट ऐसी आती है, महाभारत तो बहुत ही अच्छा था, ये बिल्कुल जो एक्ट किया उन्होंने
उसमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि बाप माँ और बेटा जो है, बाकी 8,000 की साड़ियां तो देखो भाई कोई ना नहीं बोल सकता है, सब जानते हैं। और मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए मैं बलजीत जी का, दिव्या जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा कॉज है जिसके लिए मैंने एक बार भी ना नहीं बोल सका। मुझे पता लगा कि दिव्या जी बहुत अपना पूरा जीवन उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया है, और शी इज एडमेंट कि उनके बच्चे 90% से नीचे ना है, ऐसा ही कोशिश है, वही परवान चढ़ती है, कोई भी कोशिश वही परवान चढ़ती है। बच्चों ने जो कोशिश की है देखिए कितनी अच्छी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो धनाढ्य है उसकी बात अलग है, जो नीचे से ऊपर चढ़ना चाहता है उसका एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन से कोई भी गरीब से गरीब भी ऊपर जा सकता है। हमने बहुत सारे, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं APJ अब्दुल कलाम जैसे, कि जो बहुत गरीबी से पढ़ के ऊपर, तो जो एजुकेशन में आप लोग कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू पीपल। और मैं फिर कहूंगा अगर कभी भी मेरी फिर जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए प्रस्तुत हूं, कभी भी। और बलजीत जी का खास तौर से मैं धन्यवाद करूंगा कि कई लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उनके बारे में पता नहीं चलता, तो दिव्या जी जो कर रही हैं उसको अंडरलाइन करने का काम बलजीत जी ने किया है। मैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने ये काम किया है। और जितने भी लोग हैं, अब हमारे नेता जी आए हुए थे, मैं उस वक्त नहीं मुझे बुलाया, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी जमीनें हड़प रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको भूमाफिया कहा जाता है, लेकिन अगर कुछ लोग अगर ऐसा चाहें तो दिव्या जी जैसे लोगों के लिए जो कलेक्टर लैंड है उसमें से बहुत सारी जमीन दिलवा सकते हैं। अगर कोई सक्षम है, मैं जो कर सकूंगा जरूर करूंगा, लेकिन दिलीप जी आए हुए थे उन तक भी मैं बात पहुंचाना चाहूंगा कि इनके लिए कुछ स्पेशल एक जगह कलेक्टर लैंड से जरूर देनी चाहिए इनको, तो उसके लिए भगवान से आप दुआ करिए कि जल्द से जल्द। मैं जरा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए इतने शिक्षकों के सामने थोड़ा डर लगता है, तो मैं अपनी बात यहाँ, उससे पहले मैं झोल साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने सबको एंटरटेन किया है। एक और बड़ा हीरा हमारे बीच में यहाँ बैठा है, हमने एक फिल्म भी इकट्ठे की थी, उनका नाम है पंकज रैना, हो सके तो उनसे गाना जरूर सुनिए, बहुत अच्छा गाते हैं। पंकज रैना जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आए तो सबको एंटरटेन करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर नेल्सन मंडेला हाउस ऑफ कॉमन्स UK, एंड रिसेंटली क्राउन्ड वुमेन ऑफ सब्सटेंस फॉर MWI ब्यूटी पैजेंट USA। पंकज जी जी, अब आपसे शुरुआत करते हैं। पंकज रैना, आप एक बड़े मशहूर कलाकार हैं, आपके आज के इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस इवेंट को तो बहुत ही अच्छी नज़र से देख के आया हूँ, बहुत ही, जब उन्होंने कहा मुझे इन्वाइट किया तो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज इट्स अ नोबल कॉज, और बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि एक बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, और जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए ये एक मोटिवेशनल, इन्होंने एक NGO स्टार्ट किया हुआ है ताकि उनको वो अपनी तरफ डिस्कशंस करके उनको एक सांचे में ढाल सके। तो मुझे अच्छा लगा कि अगर इफ़ आई एम ए पार्ट ऑफ इट, मुझे बहुत अच्छा लगा आने के बाद। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इसके? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि बच्चे ही हमारे आगे देश का भविष्य है, तो आज अगर ये एक अच्छी नींव रखते हैं तो फल भी अच्छा ही आएगा। तो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर एंड सपोर्ट देम फॉर द गुड कॉज, बिकॉज एजुकेशन डिस्पेल्स ऑल क्लाउड्स ऑफ सुपरस्टिशंस। थैंक यू। सबसे आखिर में मैं एक ऐसे हास्य कलाकार से बात करना चाहूंगा जिसने लोगों को आज तक हंसाते आंसू भले निकाल दिए, आप क्या कहेंगे अपने अंदाज में? दुनिया है गोल, मेरा नाम है बनवारी लाल झोल।
असल में क्या है, ये जो दलजीत कौर जी हैं, एक बार इनको मिलने के बाद आदमी कभी नहीं होता बोर। बड़ी हसमुख हैं, बड़ी ब्रेव हैं, और जो इनका एनजीओ है काफ़ी प्रोग्रेस की इन्होंने, और वाकई बच्चों को प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना इनका हमेशा कार्य रहा है। और हमारे ज़माने में तो इस लाइन में कान पकड़ के बाप घर में ले आता था कि भांड हमारे घर में पैदा हो गया, लेकिन आजकल क्या है, इसको पूजा जाता है, इसकी इज्जत की जाती है और शोहरत होती है, इससे बच्चे काफ़ी आगे बढ़े भी हैं। सो मैं सलूट करता हूँ इस एनजीओ को, और जो बच्चों ने आज परफॉर्म किया है वाकई काबिलियत था। लेकिन मैं खास करके बनवाए लाल जो जी आपसे और पंकज जी आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हुए हैं जो खलनायक की भूमिका दर्ज की है, उनके बच्चे बोलते हैं पापा स्क्रीन पर मार के उठाते हैं। जी जी, प्राण साहब का ऐसा कह रहा था हमेशा, प्राण साहब बस बेसिकली जेंटलमैन और मतलब कमाल के एक्टर थे उनकी इमेज, लेकिन ऑफ द कैमरा ये थी कि मोस्ट बिगेस्ट जेंटलमैन ऑफ द इंडस्ट्री। और प्रेम चोपड़ा जी से भी, बनवारी जोल साहब भी उनके साथ में एक प्रोग्राम में थे, तो प्रेम जी से भी ऐसी बातें हुई, तो वो भी बहुत अच्छे इंसान रहे। आई थिंक पर्दे पे जो वो प्रस्तुत करते हैं वो एक कैरेक्टर किरदार होता है, और ऑफ कैमरा तो एक पर्सनालिटी अलग ही होती है जिसे हमें जानने को मिलता नहीं यूजुअली, लेकिन आप जानना चाहेंगे तो फिर पता लगता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। झोल साहब, इसके बारे में प्रेम जी के बारे में कहना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि असल में क्या है, खलनायक जो होते हैं अंदर से नहीं होते, लेकिन कैरेक्टर ऐसे दिया जाता है तो उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये रोजी रोटी है, हमें जो रोल दिया जाएगा हमें करेंगे, लेकिन बच्चों की वो भावना बन जाती है, शायद ये है ही ऐसा। हाँ, तो जैसे ही वो प्रोग्राम में आते हैं तो सारे माँ बाप कहते हैं लड़कियों को, बेटा तुम इधर आ जाओ। लोगों ने तो बच्चों का नाम प्रेम और प्राण रखना ही बंद कर दिया था क्योंकि इतने खतरनाक। लेकिन बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो, और प्राण जी तो आज नहीं रहे, लेकिन कमाल के कलाकार थे वो, उनको सलूट है उनके अदाकारी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुप्रिया दिव्या सरैया को शुभेच्छा देता हूँ, और मेरे मित्र रमेश भाई भाई को भी शुभेच्छा देता हूँ कि उनके बदौलत आज मैं ये कार्यक्रम में आ पाया हूँ। और वास्तव में कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है, और मैं इस कार्यक्रम से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, विशेष करके उसका जो उद्देश्य है एजुकेशन हब। आज के ज़माने में एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है कि जो सारी जो हमारे देश में समस्या है उसका समाधान केवल और केवल एजुकेशन में है। एजुकेशन के कारण बच्चे लोग सेल्फ रिलायंस होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, अलग अलग जगह पर उनके काम करने से हमारी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है, एनर्जी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टर के सेक्टर में काम कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे अपना तो परिवार का नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का नाम रोशन करते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, और ऐसे बच्चों को जब प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम में आकर हम उनका हौसला बढ़ाने का, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और आज ये सारे बच्चे जो यहाँ पर आए हैं वो अभी कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आए हैं। मैं सभी बच्चों को शुभेच्छा देता हूँ, और एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर एजुकेशन हब के द्वारा डॉक्टर सरैया के माध्यम से हुआ है, उनको भी और दलजीत कौर को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। आपने पटेल जी बहुत अच्छी बात कही है, थोड़ा सा एक मजाकिया अंदाज में एक बात मैं पूछना चाहूँगा, हालांकि उसको एक मजाक के रूप में ही लिया जाता है, कि पुरानी कहावत है कि एक क्लास में चंद बच्चे पढ़ रहे थे, जो सबसे बढ़िया बजट केस था पढ़ने में वो डॉक्टर या इंजीनियर बना, दूसरा वाला IPS IAS ऑफिसर बना उससे कमज़ोर, और तीसरा वाला जो सबसे गंवार था वो जाके नेता बना जो सबको कंट्रोल किया। आप उसको कितना आज की तारीख में देखो, वो एक दौर था कि ऐसे लोगों को राजनीति में लोग स्वीकार करते थे, लेकिन आज के दौर में जब युवा शक्ति जागरूक हो चुकी है और देश का मतदाता जो है वो बड़े पैमाने पे 35-40% युवा शक्ति है, और युवा शक्ति पढ़े लिखे लोगों को, और जो दौर आज जो सोशल मीडिया का है इसमें अनपढ़ गंवार लोग आएंगे तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। भाषा पर अपना कंट्रोल होना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई जानकारी रखने वाले लोग ही आने वाले थे, इस बार की जो लोकसभा है उसमें देखेंगे तो 70 से
जो सांसद चुने गए हैं वो पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, कुछ तो पीएचडी की हुई है, अभी आज ही देख लीजिए ये डॉक्टर ने पीएचडी किया, मुझे बाद में पता चला कि सुप्रिया मैडम ने पीएचडी किया हुआ है एजुकेशन के ऊपर, दिव्या मैडम ने एजुकेशन पर पीएचडी किया है, बहुत अच्छी बात है। और आज ये पीएचडी करी हुई व्यक्ति उनके एनजीओ के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं। तो आपने जो सवाल किया वो एक दौर था, आज दौर बदल चुका है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग शिक्षा क्षेत्र में आएंगे और एजुकेशन में भी आएंगे। हम होप करते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में भी और अच्छे-अच्छे आना ही चाहिए, तब जाकर हम ये पॉलिटिक्स डर्टी है उस जो बात है उसको अगर गलत साबित करना है तो अच्छे लोग आएंगे, तो पॉलिटिक्स डर्टी है ऐसे कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो दिव्या ने बनाया है लास्ट ईयर से 2017 टू अवार्ड द चिल्ड्रंस हु आर डूइंग बेस्ट इन द एजुकेशन। आज जो मैंने देखा है इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जितना मैं इसको जानती हूँ कि इसके जितने बच्चे हैं वो कैसे 90% मार्क्स लेकर आए, तो इसका दिमाग, इसकी पूरी एनर्जी उसी में लगती है और एजुकेशन को ये प्रमोट कर रही है। आई एम फ्रॉम आईवा, आई एम बलजीत कौर, एंड मैंने हमारी आईवा ने सपोर्ट कर दी ताकि आगे और भी बच्चों को ये एजुकेशन दे सके, और इसने अपनी पूरी लाइफ आई थिंक बच्चों को समर्पित की है। A real women empowerment and please round of applause for her. हमारे चीफ गेस्ट थैंकफुल टू हिम दिलीप पटेल जी जो यहाँ आए, और बच्चों को थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा और कि हमें आगे, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हम लोग, कुछ भी हो जाए अगर एजुकेशन है तो जिंदगी में सब कुछ है। तो सर दो शब्द के लिए डॉक्टर दिव्या सरैया, दलजीत कौर, माय फ्रेंड रमेश भाई, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दलजीत हैज सेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड डॉक्टर सरैया इज एनकरेजिंग स्टूडेंट्स बाय वे ऑफ गिविंग द prizes, distribution, vocational guidance, etc. In coming days, education is an asset for any students and family also. पढ़ने से ही आने वाले दिनों में हम सारी समस्याओं को हल कर सकेंगे। हम लोग भी सोशल फील्ड में काम करते हैं और उपनगर में सबक में जितने भी स्कूल होते हैं जगह जगह पर एग्जाम होने के बाद टेंथ और एसएससी के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे वहाँ आते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशनलिस्ट आकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं, तो स्वाभाविक है उनकी पीठ पर थपथपानी चाहिए, और ये करने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है और आने वाले दिनों में आज जो करते हैं उससे अच्छा बेहतर करने की उनको इंस्पिरेशन मिलती है और एक प्रकार का उसका हौसला बढ़ता है। तो यही काम आज डॉक्टर सरैया मैडम कर रही हैं, तो मैं डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप इन मैडम के लिए ताली बजाएं और अच्छे कार्यक्रम आप इस तरह से करें। हम अभी अप्रैल जून जुलाई में इस तरह के कार्यक्रम गोरेगांव, मलाड, कांदिवली से लेकर पार्ला तक करेंगे और निश्चित रूप से आपको भी वहां पर बुलाकर जो बच्चे हमारे वहाँ पेरेंट्स के साथ आते हैं, कुछ एजुकेशनलिस्ट आते हैं, तो वो भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। उनको प्रोत्साहित करना मतलब स्टेज पर बुलाकर उनको ये गिफ्ट देना, ये तो एक सबॉर्डिनेट बात है, लेकिन बच्चे जब स्टेज पर आते हैं और उसको तालियों से जब हम उनका स्वागत करते हैं और उससे जो उसका मनोबल बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बच्चे और अच्छा करते हैं।
आप यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे, तो मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। जो पहले आया है वो और तरक्की करे, जो दूसरा आया है वो पहले आए, तीसरा आया है वो पहले आए, या कोई कारण से कोई बच्चे को कोई मार्क्स कम आए होंगे, तो निश्चित रूप से डॉक्टर सरैया नेक्स्ट टाइम जो अच्छा कार्यक्रम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो वो पहले नंबर पर आएगा। ऐसी माता सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी को शुभेच्छा देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं इस एजुकेशनल हब का पीआर अरुण सिंह आज आप लोगों का तारुफ करा रहा हूँ डॉक्टर दिव्या सरैया से और उनके भाई विशाल से। ये लोग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। अब ये आपके हवाले हैं, आप लोग सवाल जवाब करिए इनसे। बीइंग अ न्यूरो डूइंग अ न्यूरोसाइंस स्पेशलिटी आई फाउंड दैट इन इंडिया द एजुकेशन इज नॉट द वे इट शुड बी। सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ इंस्टीट्यूट वेर इन आई कैन ग्रूम इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज आई वॉन्ट देम टू गेट रेडी फॉर द स्कूल कॉल्ड लाइफ बिकॉज लाइफ नेवर गिव्स सेकेंड चांस एज आई थिंक दैट लाइफ इज़ अ वन वे ट्रैफिक एंड इफ यू आर नॉट एन्जॉइंग द मोमेंट इफ यू आर नॉट लिविंग द लाइफ देन इट्स ऑल वेस्ट ऑल अकेडमिक्स इज वेस्ट। So every aspect has its own importance and in the generation where we are in mobile fast growing generation, so it is very important that a child should have academic degrees as well as the purpose for life and how he will use his education in his future because education is the key to all success. Hamara institute jo hai बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है पढ़ाई के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट नया वेंचर चालू कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करेगा जहाँ पे बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत अच्छा बेस मिलेगा जहाँ पे वो अपने आप के करियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि यहाँ तक अभी तक किसी ने नहीं किया है। I want first thing the children should know is self-development. If they are not doing self-development, then all the study and all academics is waste. Self-responsibility is the second thing and time management. These are the three things which I'm looking forward for. एक सवाल आपसे है दिव्या जी। तब से 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से उसका एक कहावत निकली थी कि एक बच्ची पढ़ाओ और उसे बनाओ। आज के जो दौर में आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ बच्ची को पढ़ाना ही जरूरी है या बच्चों को लड़कों को भी ज़्यादा जरूरी है? दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ना है और दोनों को अपने पैरों पर खड़ा रहना है। थैंक यू। थैंक यू। हाई, माई नेम इज़ पूनम वाजपेयी। And basically, I'm an image consultant and soft skills trainer. And I have been a title winner of 2017 Mrs. India. 2019, I have been a popular queen of universe, and you can see that. So, what exactly you want me to tell? Like, today's education hub was motivated yes. award organized by All right, of course. Frankly speaking, since 2003, almost has gone 16 years, I'm into education line. I'm running my own NGO, which is working for a women and children's education. So it always, like, you know, it's my weak point to be connected with the children, basically. And I think that was the first invitation where I, once the Daljeet ji has told me, like, she, you just come for this. So maine unko turant bola ki yes, I will definitely come for this. This kind of events always, like, kind encourage me, even I feel to come, and I feel really give me immense pleasure to be a part of these kind of programs. And what way you are going to make a difference to your NGO? I, of course, like, education is the base of nowadays, especially for the generation what is now, right now, with the all students, all the children are more into internet and all, where education ek bahut bada important role nibhati hai. और बच्चों को जिस तरीके से एजुकेशन देनी है उसकी एजुकेशन की टेक्निक अगर हमको समझ में आ जाए या हम उसको अगर फॉलो करें तो हम काफ़ी हद तक बच्चों की एजुकेशन में चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ में है अमर सिने प्रोडक्शन के चर्चा रहता अमर सिंह। अमर, आप
बताइए आप इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? जो ये इवेंट है जो दिव्या जी ने किया है एजुकेशनल हब अवार्ड फॉर स्टूडेंट्स जी, वो एक्चुअली होना चाहिए बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली जो वो रहता है उनका जैसे जो एकेडमिक ईयर होता है उनका कि कौन सी चीज़ में अच्छे हैं, उनको मोटिवेशनल देने के लिए ऐसे अवार्ड्स डेफिनेटली सबको रखने ही चाहिए। स्कूल में तो होते ही हैं बट ट्यूशन टीचर्स ये सब इन सबको एक्चुअली आई थिंक होना चाहिए बिकॉज एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं है इतना बट होना चाहिए, एजुकेशन होना ही चाहिए इंडिया में। आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, आप कई सारे शॉर्ट फिल्में बनाते रहते हैं, वेब सीरीज़ में आप किस तरह की फिल्में बनाते हैं? बेसिकली मैं कॉमेडी बनाता हूँ और इमोशनल टाइप बनाता हूँ, जो हर एक मतलब जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो का होता है ना वो अपने आप से कनेक्ट कर चुके कर सके और डे टू डे लाइफ के ऊपर मैं बनाता हूँ। आज का इस प्रोग्राम देखने के बाद आपको यहाँ से भी कुछ सब्जेक्ट्स कुछ पॉइंट्स मिले हैं, कुछ लड़के आर्टिस्ट मिले हैं? हाँ डेफिनेटली दो तीन लोग हैं जो मेरे को लगता है कि मेरी वेब सीरीज़ के लिए लाइक परफेक्ट है बिकॉज दे आर वेरी गुड एक्टर्स, उनको अवार्ड भी मिला है एकेडमिक का, बट एक्टर एक दो तीन एक्टर्स भी हैं और डांसर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मल्टी टैलेंटेड है आजकल। अच्छा लग रहा है कि यूथ इतना अच्छा निकल के उभर के आ रहा है बिकॉज पहले मीडिया नहीं होता था, डिजिटल नहीं होता था, तो वो दबा रहता था, पूरी दुनिया में दिखता है इस माध्यम से, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। जी मेरा नाम एक्टर मुकेश अग्रहरी है, मैं अभी तक 41 फिल्म्स कर चुका हूँ, इस साल मैंने 8 फिल्में करी हैं। एक फिल्म मेरी अभी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है मर्दानी 2, एक फिल्म और रिलीज हुई है जिसका नाम है मुंबई होटल। मैं अभी शमशेरा कर रहा हूँ मल्होत्रा साहब की फिल्म, एक फिल्म कर रहा हूँ साइना नेहवाल जिसके डायरेक्टर हैं अमोल गुप्ते साहब, एक फिल्म कर रहा हूँ निकम्मा जिसके डायरेक्टर हैं सब्बीर खान साहब जिन्होंने बागी बनाई थी, और अभी एक फिल्म आ गई मैन टू मैन जिसको अबीर सेन गुप्ता जी ने डायरेक्ट किया है, एक फिल्म की है मैंने बोरीवली का ब्रूस ली जिसमें क्या नाम है उसके डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष जी हैं, और काफ़ी फिल्में मैंने कर ली है अभी तक, मैंने 41 फिल्में मैं कर चुका हूँ, बस यही मेरा परिचय है और कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए आज का जो आयोजन है ना वो बेशकीमती है, वो किस लिए बेशकीमती है मैं आपको बताता हूँ। इसको आयोजित कर रही हैं दिव्या सरैया जी, और उन्होंने क्या नाम है बच्चों के विकास के लिए, देखो बच्चों को ना प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? टीचर्स, फिर होते हैं माँ बाप, फिर होता है उनका एटमोसफियर जो आसपास है, तो दिव्या सरैया जी उसी का काम कर रही हैं। दिव्या सरैया जी बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही हैं, जैसे बच्चे समझ लीजिए किसी बच्चे के 50% मार्क्स आते हैं तो बच्चे के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, कोई ना कोई तो उन्हें प्रोत्साहित करेगा ना, तो वही कार्य दिव्या सरैया जी कर रही हैं, और ये बहुत ही अतुलनीय कार्य है, और इससे क्या नाम है समाज में बच्चों का विकास होगा, वो अच्छी पोस्ट में जाएंगे और समाज के काम आएंगे एक दिन। थैंक यू सर। आई जस्ट लाइक टू थैंक्स एजुकेशनल हब जो मोटिवेशन अवार्ड 2019 मुझे भी ऑनर मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम इसी तरह कंटिन्यू होना चाहिए, जो बच्चों को एजुकेशन गरीब बच्चों के लिए जो ये सब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई और इसका हिस्सा बनने के लिए मुझे मैं दिल से शुभकामनाएं पूरी टीम को देना चाहता हूँ। आप आज के ज़माने में एजुकेशन कितना ज़रूरी है और सभी जानते हैं, फिर भी आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है? मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में भी या किसी भी ज़माने में, आपका कोई भी टैलेंट है वो डेफिनेटली वो साथ में होना चाहिए, पर एजुकेशन सबसे पहले है, उसके बाद आपका टैलेंट, आपका जो भी आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं, पर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों को एजुकेशन ज़रूर पूरी उनकी करवाएं और ये बहुत ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूंगा कि आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा दलजीत जी का जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। मैं शूटिंग कर रहा था नायगांव में, डेली नायगांव में शूटिंग करता हूं, वो थक जाता हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आऊंगा तो पक्का आऊंगा, और ये अवार्ड यहां से ये इस इतने शानदार जानदार खूबसूरत प्यारे से प्रोग्राम के बाद मुझे अभी ओशिवारा पहुँचना, वहाँ एक अवार्ड है ग्लोबस अवार्ड, वहाँ एक मुझे अवार्ड मिल रहा है तो उसके लिए मुझे जाना है, अन्यथा मैं यहाँ बैठता और इस प्रोग्राम को और इन्जॉय करता, बहुत आनंद आ रहा है, मैंने दो प्रोग्राम देखे, बहुत सच में बहुत बहुत आनंद आया, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों को प्रोत्साहित करने का, उत्साहित करने का,
हौसला अफजाई करने का, और मेरी शुभकामनाएं हैं तमाम बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं या करने वाले हैं, या जितने उन भी बच्चों ने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा किया है, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है, आजकल बहुत दौर चल रहा है विरोध प्रदर्शन का, मैं थोड़ा सा राजनीति से दूर रहता हूं, मैं कलाकार इंसान हूं, मैं कलाकारी में ही बहुत बिजी रहता हूं, मुझे टैक्स देता हूं और ईमानदारी से टैक्स देता हूं और अपना जीवन जीता हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। माय डियर सिटी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड गेस्ट, आई जस्ट गेटिंग वेरी इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इफ यू आस्क मी, आई हैव स्पेंट 17 इयर्स इन द सेम वन। I would like to request you to Divya, please Divya. Divya. I really want to salute you. I really want to hug you. The work you are doing, it's really amazing. It's really amazing. And it's not so easy. You can understand. इन्हीं में से पता नहीं कितने लोगों को वो प्यार कर रहे हैं, doctors, engineer, Modi ji. I don't know कितने लोग प्यार हो रहे हैं, और ये बहुत ही प्राउडली एक जॉब हम कह सकते हैं, एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर हम ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं जो फ्यूचर में जाके हमें कोई एज ए टीचर हमें कुछ पता नहीं होता वो कब कहाँ कहाँ होंगे, बट एक फीलिंग होती है जब पता चलता है कि बच्चे हमारे इस जगह पे पहुँचेंगे। आई रियली प्रोफेशन, मैं पिछले 17 साल से क्लास चला रही हूँ, इवन मैं भी एनजीओ चलाती हूँ, दिस इज जस्ट एट ओशीवाला लोखंड वाला, एंड 17 ईयर्स हो चुका है मुझे भी, सो आई कैन अंडरस्टैंड द वे यू आर वर्किंग। आई जस्ट वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी आई वॉज नॉट देयर, आई गेस दीज पीपल हैव जस्ट ओनली रन सम प्रोग्राम्स एंड ऑल। थैंक यू वंस अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। So what happens is at the end of the day she is doing so much, but what I feel ki jab koi awardee organize karta hai award show wo khali haath kyun jaye, to main aaj ye parampara tod rahi hu Dilip ji ke haathon se, sabse pehle main Divya ka hi samman karwana chahunga, ye aayega ki taraf se ek chhota sa token of love and respect for a lady who is doing all by herself।